दोस्तों ये है ओला S1 Pro और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑलवेज वेयर हेलमेट। और इस वाले वीडियो में शायद हम लोग हेलमेट कहीं कहीं पे ना पहने, क्योंकि भाई आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये उतनी बिजी रोड नहीं है। और आज वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओला S1 Pro के 10 कमाल फीचर्स के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का, क्योंकि ओला S1 Pro के अंदर बहुत कमाल के फीचर्स हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि वीडियो के आपको लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसको हम लोग चला रहे हैं पूरे एक हफ्ते से। और भाई क्या मजेदार चीज है। फर्स्ट फीचर, 21st सेंचुरी के इस स्कूटर के अंदर कोई भी चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका चाबी आपका स्मार्टफोन है, यहीं से अनलॉक कर लो और ये अनलॉक हो जाता है डायरेक्टली। इवन कि जब भी आप अपने स्कूटर के पास वॉक करके जाओगे और आपका फोन आपके पास है, आप इसको ऑन कर सकते हो डायरेक्टली। वैसे ही पासवर्ड से भी अनलॉक हो जाता है। जब तक आप स्टैंड ऊपर नहीं करते हो, यहाँ से स्टैंड मोड हटता नहीं है, दोनों ब्रेक को और पावर बटन को एक से दबाना है आपको, उसके बाद स्कूटी रेडी है ड्राइव करने के लिए। और इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। ये थंडर वाला बटन डिफरेंट मोड्स पे चेंज करता है, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड। वैसे एक इको मोड भी है जो कि लो बैटरी पे ऑन होता है। और अगर टॉप स्पीड के बारे में बात करें, 2.9 सेकंड्स पे 40 तक चला जाता है भाई 0 से, और 0 टू 60 4.5 सेकंड्स चला जाएगा। धनिया लाने के नॉर्मल मोड, कॉलेज जाने के लेट हो रहे तो स्पोर्ट्स मोड, और अगर होम अलोन का मैसेज आ जाए दोस्तों तो इसका हाइपर मोड। The next day. भाई झूठ बोला उसने, घर पे कोई था, नॉर्मल मोड पे स्विच कर लेता हूँ। भाई मारो मुझे मारो। और एक्सेलरेशन में इसका हाइपर मोड सबका बाप है भाई, बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर लेता है, स्प्लेंडर को भी हरा देगा। वैसे ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों, ओला ने इसके सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। इसके अंदर आपको मूव OS 3 मिलने वाला है, जो करंटली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आने वाला है। और ये नए अपडेट के बाद इसका टच रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया है, इसका रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो चुका है। तो ये वाला होम है, और ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको आप अपडेट कर सकते हो। देखो आपको सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाओ, और उसके बाद यहाँ मूड्स में जाओ। सबसे पहले ये इक्लिप्स मोड जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, उसके बाद ये विंटेज मोड है, और ये है इसका बोल्ट मोड जो कि स्पीड से इंस्पायर्ड है। और सारे मोड्स के अंदर आप डार्क मोड भी ऑन कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी ऑन कर सकते हो, मतलब ये स्मार्टली चेंज करता रहेगा। तो एक बार विंटेज यूज करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं अपने ऐप के थ्रू, एक तगड़ा एनिमेशन आ जाएगा यहाँ पे। फोर्थ फीचर के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर 36 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें ऑफ कोर्स इसका चार्जर मिलने वाला है, और वायर लेंथ भी काफी ज्यादा है इसका। एक बार इसको प्लग करके दिखाते हैं, बस प्रेस एंड होल्ड करना है आपको, इसका कैप हटाओ। अभी हम लोग चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी डिटेक्ट कर लेता है कुछ प्लग तो हुआ है। इतना स्पेस तो है कि आप छोटे मोटे पिकनिक का सामान रख सकते हो हेलमेट को बाहर निकाल के। वैसे दो हेलमेट विद चार्जर आराम से आ जाएगा, सेकेंड वाला हेलमेट थोड़ा छोटा वाला रखना पड़ेगा। वैसे बूट स्पेस यहाँ से भी ओपन हो जाता है और ऐप से भी ओपन हो जाएगा। फिफ्थ फीचर के बारे में बात करें, इस वाली स्कूटी को आप अपने फैमिली स्कूटी बना सकते हो। इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि अपने भैया का, अपने पापा का। देखो भाई कॉल भी आ गया। ओला इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन खोलना है आपको, यहाँ से अनलॉक भी कर लो, प्रोफाइल में जाके स्कूटर एक्सेस, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। माधव को ऐड कर देते हैं, और इनवाइट सेंड हो चुका है यहाँ पे, माधव के फोन पे SMS आ चुका है यहाँ पे। अब माधव अपने फोन से लॉक्ड स्कूटी को ऐसे अनलॉक कर सकता है, वो भी जस्ट एक टैप करके। एक बार लॉक भी कर देते हैं, और अच्छी बात ये अलग प्रोफाइल अपना अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब पूरा नया कंप्लीट एक्सपीरियंस आएगा आपको। तो पापा भाई नॉर्मल मोड पे चलाएंगे, हम चलाएंगे हाइपर मोड पे। ये वाला जो आप साउंड सुन रहे हो एक्चुअल में इसके स्पीकर से आ रहे हैं, और सिक्स फीचर हमारा यही वाला है। और ये वाला साउंड है रिवर्स का। इलेक्ट्रिक स्कूटीज में आवाज बिल्कुल भी नहीं होती है, तो स्पीड बढ़ता रहता है, आपको पता नहीं चलता कि आप 70 पे चल रहे हो भाई। तो जितने भी नॉर्मल स्कूटी राइडर्स होते हैं वो बोलते हैं भाई बहुत ज्यादा अनरियल फील होता है, इसीलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको डालना बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। सेटिंग्स में साउंड सेटिंग्स मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप आके मूड साउंड को कम कर सकते हो। तो दोस्तों धूम मचा लेते हैं, अभी हम 30 पे चला रहे हैं, और ऑफ कोर्स भाई आवाज सही आ रही है इसकी, और अभी स्पीड थोड़ी ज्यादा लेके जाते हैं। हम लोग 40 के अराउंड चला रहे हैं भाई, अभी स्पीड बढ़ाने के बाद अगर ब्रेक लेते हैं तो वॉल्यूम एक्चुअल में रिड्यूस हो जाता है। भाई
दोस्तों सिक्योरिटी फर्स्ट, मैं बहुत प्रो हूं, मैं ब्रेक जोर से मारा था। और यही अपना नेक्स्ट फीचर, इसके अंदर आपको मिलने वाला है डबल डिस्क ब्रेक। ओला ने इसके अंदर काफी सारे सिक्योरिटी फीचर्स दिए। ये जो आर्टिफिशियल साउंड है ये भी एक सिक्योरिटी फीचर ही है। बेसिकली इसके आप ट्विन डिस्क ब्रेक को कस्टमाइज भी कर सकते हो। स्कूटी अभी ऑन है दोस्तों, लेकिन जैसे ही मैं इसका स्टैंड ऑन कर देता हूँ, स्कूटी क्लोज और ये पार्किंग मोड पे आ चुकी है। यहाँ पे पी आप देख सकते हो। और ओला S1 Pro को वापस स्टार्ट करने के लिए आपको पार्किंग मोड से स्विच करना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों ब्रेक और पावर बटन एक साथ दबाते हैं और ये ऑन हो जाएगा। वैसे स्टैंड आपको प्रॉपर लगाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको रोड पे वो अंकल नहीं मिलेंगे भाई, स्टैंड उठा हुआ है ठीक कर लो, प्रॉपर लगा लेते हैं और अब स्टार्ट है और रेडी फॉर एक्शन। और ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, डेफिनेटली आपको चार्ज करना पड़ेगा। और चार्जिंग की बात करें, सबसे पहला है ओला का अपना हाइपर चार्ज। एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे हाइपर चार्ज योर स्कूटी मिल जाता है। नियर बाई वाला है विकास मार्ग आनंद विहार, जो एक्चुअल में यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है। तो डेफिनेटली आपको हाइपर चार्जर इतने ज्यादा नहीं आए हैं, तो आपको घर पे चार्ज करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे हाइपर चार्ज की स्पीड के बारे में बात करें, 15 मिनट चार्ज करोगे 50 किलोमीटर तक जा सकते हो, लेकिन हम लोगों ने घर पे चार्ज किया, 7% चार्ज है और टाइम हो रहा है 4:40 और ये चार्ज होने में लगाने वाला है 11:30 रात का टाइम। मतलब भाई इसमें लगने वाला है 7 घंटे में चार्ज होगा भाई ये। मैं रात के 10 बजे निकाला है चार्ज में से और अभी 88% चार्ज है। नेक्स्ट फीचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना, वो है ये 7 इंच की डिस्प्ले। एक बार इसको ऑन करते हैं, ऑन किया यहाँ से अनलॉक कर दिया। ये वाले डिस्प्ले हर सिनेरियो में बहुत ज्यादा विजिबल रहती है। 7 इंच की डिस्प्ले है ये। रिसेंट मूव ओएस 3 के बाद काफी अच्छा टच रिस्पॉन्स हो गया इसका। अभी डिस्प्ले फुल ब्राइटनेस पे, अगर इसको ब्राइटनेस को कम करते हैं तो भी परफेक्टली विजिबल है ये। डार्क मोड भी भाई काफी सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा ग्रे एंड ब्लू टोन के अंदर वाला डार्क मोड है। ये एक्जैक्टली ब्लैक वाला डार्क मोड नहीं मिलेगा आपको, ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन अच्छी HD डिस्प्ले है ये। नेक्स्ट फीचर है नेविगेशन। देखो भाई यहाँ पे आपको नेविगेशन मिलता है, आप यहाँ से बिना किसी इंटरनेट के कोई भी प्लेस सर्च करो, जैसे कि अभी जाना है मुझे सेक्टर 18 चलते हैं। चलो देखो टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है इसका। नोएडा स्टार्ट मैप, माई इंडिया का मैप है ये वाला। वैसे ये वाले मैप में आपको सारा लोकेशन कवर्ड नहीं है, मतलब जितने भी फेमस लोकेशन है आपको सारे ही मिल जाएंगे। लेकिन इसका UI भी बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है और यहाँ से आप नेविगेशन देख सकते हो। भाई हॉर्न की आवाज काफी तगड़ी लगी। यहाँ पे टर्न बोल रहा है और एग्जैक्टली आगे पे टर्न है ये वाला और ये काफी एक्यूरेट लग रहा है मुझे। तो भाई टर्न ले लेते हैं ये वाला। मैं अभी उन्होंने गलत रास्ता ले लिया, एक बार देखते हैं के लिए। जैसे आप रॉन्ग वे लेते हो ना, ये मैप थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो ही जाता है, तो ये वाले मैप पे उतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो आप, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है वो। और डेफिनेटली इसको इम्प्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़े पार्टी शार्टी के बारे में। ओला S1 Pro के साथ आप पार्टी कर सकते हो। राइट साइड में यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिलता है, अराउंड 10 वॉट का तो होगा ये वाला स्पीकर, मैंने चेक किया है। और यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर दोनों तरफ नहीं है। उसके बाद मोबाइल की सेटिंग्स में आना है आपको ब्लूटूथ और ओला स्कूटर म्यूजिक पे कनेक्ट कर लेना है और अब गाना बजाओ। सो भी गाना स्पीकर से बज रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो साउंड और यहाँ से आप पॉज एंड प्ले भी कर सकते हो, देखो, और टच भी कर सकते हो आप यहाँ से। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जब तक आप अपनी स्कूटी को ऑफ नहीं करते हो, तब तक इसका पार्टी मोड ऑन नहीं हो सकता। अब पार्टी मोड आ गया है, देखो पार्टी मोड ऑन कर दिया हमने, प्ले करते हैं। और जब भी आपके फोन पे कॉल आएगा यहाँ पे, तो आपके डिस्प्ले पे भी यहाँ पे कॉल आने वाला है, यहाँ से आप कॉल उठा भी सकते हो। हेलो भाई आवाज आ रही है। कॉलिंग का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा अमेजिंग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप थोड़ी मोड़ी बात कर सकते हो। और इसका स्पीकर बहुत ज्यादा लाउड रहता है, तो आप वॉल्यूम कम करना भूलना मत। और वीडियो के लास्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको किसी भी पेट्रोल स्कूटर में नहीं मिलता है। ये वाले बटन को प्रेस करना है और अब आप रिवर्स कर सकते हो एक्सेलरेट। ये मेरा सबसे फेवरेट फीचर है, पार्किंग के टाइम पे, रेड लाइट पे और मजे करने के लिए सब में बहुत अच्छा लगता है। और अगर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, 2 मेजर प्रॉब्लम लगी मुझे इसके साथ। इसके जो बटन है टैक्टाइल नहीं है, रबराइज बटन है। प्रेस करते टाइम एक्स्ट्रा फोर्स लगता है यहाँ पे और आपका फोकस भी हल्का सा लूज होता है रोड के टाइम पे। लेकिन भाई आदत के साथ शायद ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी टैक्टाइल बटन बनाना चाहिए था। दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक्चुअल में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है नेक्स्ट 2-3 साल में पता चल पाएगा। इनिशियली देखने में फील करने में तो अच्छा लग रहा है, बट इसका स्टैंड मुझे थोड़ा सा लूज लगा है, ये और अच्छा हो सकता था। तो बस इतने रखते हैं इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। माइलेज, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, यूजर एक्सपीरियंस, सबके बारे में इसके एक फुल डिटेल रिव्यू में बात कर लेंगे। और भाई रील बनाने वाले हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा तो होम अलोन का मैसेज आ चुका है, मैं निकलता हूँ।